Subscribe to Movie Talkies and click on the bell icon for latest updates. Hi, how are you guys? Hi. मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ मेरे भाई की ये वेब सीरीज है, तो मैं एक्साइटेड हूँ क्योंकि दोनों, इवन पांडे मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, सुपर्ण जो डायरेक्टर है मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, सो इट्स लाइक अ फैमिली टू मी. तो मैं यहाँ पे इनको सपोर्ट करने आया हूँ, मैं यहाँ पे आया हूँ, सो आई रियली एक्साइटेड अबाउट इट. काफ़ी एक्साइटेड हूँ. इनफैक्ट राज कुंद्रा मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और शिल्पा मैम भी, एंड इट्स गुड फन सीइंग आफ्टर सो लॉन्ग. काफ़ी फिट है एंड शी इज़ अ ब्रिलियंट एक्टर एज वेल, एंड देख के मज़ा आएगा कि आज केमिस्ट्री है इन सब की चारों की. आई थिंक अब कॉन्टेंट काफ़ी एजी आने लगा है वेब सीरीज़ पे, तो वो काफ़ी एक ऑडियंस, उनकी नीच एक अच्छी ऑडियंस है वेब सीरीज़ के लिए, जो लोग अच्छा कॉन्टेंट को की एजी कॉन्टेंट देखना चाहते हैं तो वेब सीरीज़ देखते हैं. वेब सीरीज़ चलती भी बहुत अच्छी है आजकल. तो आई डोंट नो, आई थिंक अगर बहुत ही अलग जो मैंने नहीं किया अब तक, अगर वैसा कोई रोल मिले, कोई अच्छा डायरेक्टर हो, डेफिनेटली आई विल डू इट. आई डोंट नो, वो मेरे को काफ़ी रिस्पेक्ट करता है, दैट्स रियली ग्रेट. एंड उसकी अपनी जर्नी है, उसका अपना पाथ है, एंड उसकी अपनी स्ट्रगल्स होंगी, उसकी अपनी विक्ट्रीज हैं, तो आई थिंक आई कैन जस्ट ब्लेस हिम, दैट्स इट. अभी उसकी स्क्रीनिंग पे, यहाँ से उसकी स्क्रीनिंग पे जा रहा हूँ मैं, और दो फिल्में आ रही हैं, बरेली की बर्फी, फिर फर्स्ट को शुभमंगल सावधान, और आज से मैंने शुभमंगल की प्रमोशन शुरू कर दी है. अब जस्ट देखते हैं कि पब्लिक का रिएक्शन क्या होता है बरेली की बर्फी को लेकर. अभी परसों मेरा वो बरेली की बर्फी का गाना आया था, नज़म, अब कल मेरा आ रहा है शुभमंगल सावधान का गाना. तो आई थिंक सॉन्ग लॉन्च तो सही है, मैंने अच्छा गाया, मुझे पता है अब अच्छा ही लगेगा लोगों को. यार ये माहौल नहीं है गाने का, अभी बात है. आई थिंक इट्स अ वेलकम चेंज, बिकॉज द फिल्म इज कमिंग शुभमंगल सावधान, उसका कॉन्टेंट थोड़ा एजी है, एंड वी वॉन्ट समबडी हु इज मोर प्रोग्रेसिव एज अ चीफ, एंड आई एम ग्लैड प्रसून जोशी यहाँ पर आए हैं, और वो खुद रंग दे बसंती जैसी फिल्मों में लिख चुके हैं, काफ़ी प्रोग्रेसिव थिंकर हैं, तो आर्ट को लेकर थोड़े और लीनियंट होंगे वो. या ऑफ कोर्स विद्या बालन एंड प्रसून जोशी बोथ, आई थिंक दोनों आजकल की फिल्मों में काफ़ी एजी कॉन्टेंट दे चुके हैं, एंड आई थिंक दे बी मोर प्रोग्रेसिव एज फार एज द सेंसरशिप इज कंसर्न. थैंक यू. I wish people wouldn't stress on a comeback, but I'm really excited to be a part of this web series. I think the story is very fresh, new. I think a lot of youngsters will probably relate to this story,
And it's an interesting character as well because I've not played something like this before and that's why I decided to do it. So I play a very, initially she comes across as this really simple and sweet girl. A character that people can relate to, but then as the story progresses you see a completely different avatar. She becomes this really strong, confident person, someone who's very aware of her sexuality, knows how to use it to get her way, and she gets the boys into a lot of trouble. You literally see that change, you know, as the story goes on, and it kind of gave me a chance to do something different here. Well, I think the only difference here is that web series bahut jaldi khatam ho jati hai, shooting and the preparation and everything, maybe in a month, 2 months. Film mein shayad maybe 6 months to 8 months, it takes longer time. But I think the only difference here is that on this platform, you can really, filmmakers have this opportunity to do exactly what they want with no censorship, you know. Be it the script, the characters, they have the freedom to express themselves the way they want to. So I think in that sense, it's different from films. Sorry? ऑनेस्टली ट्रोलिंग तो जब हम सोशल हमारे जो इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, अगर लोगों को कुछ बोलना है वो वहाँ पे भी बोलते हैं. You have to, for me at least, I make sure that, you know, all of that doesn't affect me. Maine kaam kiya hai to the best of my abilities, so bas chhod diya. Now nothing is in my hands, you know. Some people will like it, some people will not like it. So to each his own. Meri khoobsurti ka raaz. I don't know, maybe jeans. I have to thank my parents. Actor, actress, no, but maybe designer Rocky. I've known him for over 20 years. Yeah, longest. As of now, it's the web series. I'm really excited to see how people react to this, and then let's see. Sorry, can you repeat that? Blue Well? What is that? Online game. That's a game? Yes. Wo khelte kyun hai? And this I really don't know about this. Well, see, sorry, of course ban karna chahiye. If people are actually getting influenced by games like this, it definitely should be banned. But I think what we have to be a little careful about what we do on screen. It does influence people to a certain extent, and obviously web as well to a certain extent will influence people, especially children. They don't maybe understand the difference between right and wrong as much as, you know, a mature person. But as far as the web series is concerned, I think we're living in a digital age today, and the web series are like the new way, you know, it's like new age, and that's the way to go now. So I think a lot of youngsters out there probably, you know, connect with what they see on the web as well, and I think it's also very convenient because everyone doesn't have the time to go and watch a film today. This is something that you can just watch on your phone, on your laptop. Everyone has access to the internet today. So I think it caters to, you know, a lot youngsters and maybe older people out there, depending on the subject. Thank you so much. I didn't understand anything. Wait.
कैसे हो तुम? ऑल गुड? या सब अच्छा, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। होने के पहले बहुत ही अच्छा ग्रिपिंग है ऑडियंस के ऊपर, तो कैसा महसूस कर रहे हैं पहले? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। आई थिंक वी हैव बीन एबल टू टच द राइट कॉर्ड, जिस तरह से हमने सोचा था कि इसको एक किक स्टार्ट देना है। आई थिंक वो किक स्टार्ट मिल चुका है एंड मोस्ट ऑफ द पीपल हु हैव ऑलरेडी सीन इट दे आर अप्रिशिएटिंग इट एंड पीपल हैव सीन जस्ट द ट्रेलर्स, उनको ट्रेलर्स पसंद आ रहे हैं एंड आई होप everyone likes यो के हुआ ब्रो, बिकॉज हमने बहुत सब ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है इसके लिए एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वूट एज यू नो अ प्लेटफॉर्म हैज़ ऑलरेडी डन बहुत क्रिएटिव चीज़ें की हैं उन्होंने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा। लास्ट मैंने उनका देखा था, इट्स नॉट दैट सिंपल। आई थिंक स्वरा के साथ जो वेब सीरीज उन्होंने की थी वॉज अमेजिंग, माई वाइफ टोटली लव्स इट। सो जो कुछ भी उनका काम अभी तक पिछले एक दो साल में आया है वो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है, बहुत ज़्यादा फन है, क्वर्की है। सो आई एम टॉकिंग अबाउट क्वर्क, आई थिंक यो के हुआ ब्रो इज रियली क्वर्की, एक रॉ सेटअप है रोहतक का। सो आई थिंक यू ऑल शुड वॉच इट ऑन 18th एंड एंजॉय इट। एक तो उनकी शक्ल देख के लगता नहीं है कि बहुत टाइम बाद आ रही है, शी लुक्स रियली, शी स्टिल लुक्स यंग। सो मुझे नहीं पता कि कितनी देर बाद आ रही है, मुझे लग रहा है कि अभी आई है शायद। अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक इट वॉज अ लॉट ऑफ फन वर्किंग विद शमिता, विद रिधिमा, विद सुमित व्यास, विद गौरव पांडे, ऑल ऑफ देम आर टैलेंटेड बंच ऑफ एक्टर्स एंड आई थिंक वी ऑल वर ऑलवेज ऑन द सेम पेज, नॉट ओनली द एक्टर्स बट द डायरेक्टर, द कॉस्ट्यूम टीम, द यू नो द कैमरा टीम, डी ओ पी जय बंसाली, द प्रोड्यूसर नमित एंड एंटायर वूट टीम, तान्या, पार्थ, विभु, फिजा, वी वर ऑल आई थिंक वी वर ऑल ऑलवेज ऑन द सेम पेज व्हेन इट कम्स टू डिलीवरिंग इट ऑन यू नो अ पर्टिकुलर डे। वी ऑलवेज न्यू व्हाट वी वर शूटिंग टुमारो, वी ऑलवेज न्यू व्हाट वी आर सपोज टू डू इन द पास्ट यू नो इन द नेक्स्ट 10-15 डेज। एक एक दिन का स्केच जिस तरह से प्लान किया गया था एग्जैक्टली उसी तरीके से निकला। सो दैट टेल्स द प्रोफेशनलिज्म ऑफ द प्रोडक्शन हाउस, द चैनल, द एक्टर्स एट द सेम टाइम द प्रिपरेशन। यू नो अगर आप किसी चीज़ के लिए प्रिपेयर होके जाते हैं वो अच्छी ही निकल के आती है चीज़। एंड अगर आप केमिस्ट्री भी देखेंगे सब एक दूसरे के साथ ट्रेलर्स में भी, स्पेशली मी एंड गौरव, बिकॉज हम हैं दोनों ब्रो रोहतक के, तो हम दोनों की केमिस्ट्री अच्छी इसीलिए निकल के आ रही है बिकॉज उसमें वर्कशॉप्स हुई हैं, हम दोनों आपस में जेन्युइनली दोस्त बन चुके हैं, तो वो नज़र आ रहा है ट्रेलर्स में। सॉरी या ऑफ कोर्स इट्स काइंड ऑफ इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, यहाँ पे बिल्कुल सही कह रही हैं। अगर आप कंपेयर करें फिल्म और वेब सीरीज़ को इन टर्म्स ऑफ द सेगमेंट एंड द स्केल, अब ज़्यादा फ़र्क नहीं है। टचवुड इन द पास्ट 2-3 ईयर्स आई थिंक बहुत अच्छा कॉन्टेंट वेब स्पेस में आया है
एंड जस्ट बिकॉज दैट हैज़ हैपेंड और वेब स्पेस ने अपने आप को प्रूव किया है मेरिट पे, हैंस द बजटिंग इज नॉट अ प्रॉब्लम एनी मोर. पहले लोग पैसा नहीं लगा रहे थे वेब स्पेस में, अब बहुत पैसा लगा रहे हैं. ऑल द ब्रांड्स वॉन्ट टू डू अ लॉट ऑफ कैंपेन्स ऑन वेब, दे वॉन्ट टू डू अ लॉट ऑफ यू नो स्पॉन्सर्स मिल जाते हैं अब. सो इसलिए बजटिंग की बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है. जिस स्केल पे एक फिल्म बनती है उसी स्केल पे अब एक फिल्म भी बनती है, और सॉरी जिस स्केल पे एक फिल्म बनती है उसी स्केल पे अब वेब सीरीज भी बनती है. सो दैट्स अ वेरी वेरी गुड थिंग. दूसरा क्वेश्चन आपने पूछा कि कितना क्या बोला था आपने साथ में, हाँ टॉकिंग अबाउट द रिएक्शन टाइम. ऑफकोर्स यू गेट द इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, आपने अच्छा किया है बुरा किया उसी वक्त आपको पता लग जाता है. स्पेशली जो आपने शूट भी किया है वो भी आप एक दो महीने के अंदर अपलोड कर देते हो, आप 6 महीने 8 महीने एक साल की वेट नहीं करते हो, पोस्ट में इतना टाइम नहीं लगाते हो टू रिलीज अ फिल्म, जिसमें नॉर्मली होता है कि फिल्म 6 महीने पहले या 1 साल पहले शूट हुई होती है और निकलते निकलते रिलीज होते होते 1 साल हो जाता है. आई थिंक दिस प्रोसेस इज अलॉट मोर क्विक, दिस प्रोसेस इज एज यू सेड कि नीचे कॉमेंट्स आ जाते हैं तो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन है, आपको एक रियलिटी चेक मिलता है विच एज एन एक्टर आई थिंक इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर यू नो आप किसी भी मीडियम में जा रहे हो, रियलिटी चेक बहुत इंपॉर्टेंट है. जी जी यार देखो ऐसा है, ये तो ना बहुत सिचुएशनल चीज़ें हैं. किसी फिल्म को किस तरीके से सर्टिफाई करना है किस तरीके से नहीं, वो बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है. टॉकिंग अबाउट जी, मैं पहले जब प्रजाद निहानी जी थे मैं उनको जानता नहीं हूँ, प्रसून जोशी सर को मैं फिर भी मिला हूँ काफ़ी बार, तो आई नो हिज क्रिएटिव सेंसिबिलिटीज़ एंड ऑफ कोर्स दे आर वेरी यंग वेरी ऊबर एंड एट द सेम टाइम ही नोज़ व्हाट ही इज सेइंग बिकॉज वो खुद एक बहुत क्रिएटिव इंसान है. आई एम नॉट सेइंग कि पहले वाले क्रिएटिव लोग नहीं थे, मैं उनको जानता नहीं हूँ इतना अच्छी तरह पर्सनली. सो टॉकिंग अबाउट प्रसून सर, बट कई बार ऐसा हो जाता है कि जब आप उस पोजीशन पे पहुंच जाते हैं आपके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, तो यू आल्सो हैव टू नॉट ओनली टेक केयर ऑफ द फैक्ट कि ये क्रिएटिवली इसको सर्टिफिकेट मिल जाना चाहिए कि नहीं मिल जाना चाहिए, एट द सेम टाइम आपको काफ़ी बार समाज का भी ध्यान रखना पड़ता है. बिकॉज ऑल सेड एंड डन यू नो जितनी हमारे देश की पॉपुलेशन है और जितने हमारे यहाँ रीति रिवाज हैं, जितना जिस तरह के अलग डिफरेंट कल्चर्स हैं, जितने रिलीजन्स हैं, यू हैव टू टेक केयर ऑफ अ फ्यू थिंग्स व्हेन यू रीच दैट लेवल एंड एक पोजीशन आपको दी गई है जहाँ बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है. हैविंग सेड दैट आई वुड ऑल्सो वॉन्ट टू यू नो मेक एन अपील टू द ऑडियंस. आई थिंक वी शुड जस्ट टेक इट ईजी इन लाइफ, हमें इतना ब्रूहा नहीं करने की ज़रूरत है. वी डोंट हैव टू ब्लो थिंग्स आउट ऑफ प्रोपोर्शन, इतनी ज़बरदस्ती कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, कपड़ों के नाम पे, सिगरेट के नाम पे, शराब के नाम पे, कि क्या दिखाया जा रहा है फिल्मों में क्या नहीं. इट्स जस्ट अ लाइट हार्टेड क्रिएटिव पीस ऑफ वर्क जो आपको सिर्फ आपके मज़े के लिए दिखाया जा रहा है. यू नो ये इसलिए नहीं दिखाया जा रहा है कि किसी को डिफेम करना है या किसी को बेइज्जत करना है. इट इज़ जस्ट अ क्रिएटिव पीस ऑफ वर्क एंड अक्सर आप देखेंगे एक डिस्क्लेमर दिया ही होता है हमेशा से फिल्म स्टार्ट होने से पहले. तो डिस्क्लेमर इसीलिए है कि किसी को बुरा मानने की जरूरत नहीं है यार, कि वो डिस्क्लेमर सेज इट ऑल, चाहे वो सिगरेट को लेकर है, चाहे शराब को लेकर, चाहे रिलीजन को लेकर. सो डिस्क्लेमर है तो उसके बाद सर्टिफिकेशन पे इतना आई थिंक हंगामा करने की जरूरत नहीं है. यार देखो ऐसा है, जिसने भी ये गेम स्टार्ट करी, जिसने ये ब्लू व्हेल चैलेंज स्टार्ट किया, मैं उनके ऊपर टिप्पणी करने के बजाय, ऑफकोर्स गलत है वो तो जो उन्होंने किया है, लेकिन आई वुड स्टिल ब्लेम द अपब्रिंगिंग, द सोसाइटी, द पेरेंट्स, द किड हिमसेल्फ. बिकॉज क्या है ना, अगर आप सुसाइड तो और किसी वजह से भी आप बहुत बार करते हैं, तो सुसाइड करना ही गलत है. लेट्स नॉट ब्लेम ब्लू व्हेल चैलेंज फॉर यू नो कमिटिंग सुसाइड. एट द सेम टाइम आई थिंक वो एक मेच्योरिटी लेवल है, पेरेंट्स कितना बच्चों से इंटरेक्ट कर रहे हैं. मेरे उम्र के भी बच्चे थे जो गलत कामों में घुसे हुए थे, वो हो सकता है कहीं से कूद के जान नहीं दे रहे थे, तो शायद कुछ गलत चीज़ें खा पी के जान दे रहे थे. एंड आई कम फ्रॉम पंजाब, जहाँ पे आपने पीछे उड़ता पंजाब देखी, वहाँ पे ऑफकोर्स यू नो यूथ वॉज बींग अफेक्टेड. अब मेजर्स लिए जा रहे हैं, तो जो आप गलत दिशा में जा रहे हैं वो आप किसी भी गलत दिशा में जा सकते हैं, चाहे वो आप ड्रग्स लेकर या शराब पीकर अपने आप को ख़राब कर रहे हो,
चाहे वो आप ब्लू व्हेल चैलेंज से यू नो कैरिड अवे होके अपनी जान ले रहे हो. सो आई थिंक पेरेंट्स प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल. उनको रोज़ अपने बच्चों से बात करनी चाहिए, अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए. दैट इज़ द ओनली वे वी कैन आई थिंक बी मेच्योर एंड बी अ वाइज सिटीजन. यार देखो ऐसा है, आई होप स्पेशली बिकॉज माई एल्डर ब्रदर यू नो हैज़ बीन एबल टू अचीव रियली गुड थिंग्स. तो आई होप एक्टिंग मेरे खून में है स्टार्टिंग विद दैट. एंड वो शॉर्ट फिल्म करके बहुत ज़्यादा मज़ा आया. आई थिंक शत्रु सर के जो बेटे हैं कुश थे ना, सोनाक्षी के ब्रदर, ही इज़ एन अमेजिंग पर्सन. आई थिंक बहुत ज़्यादा कमाल के वैल्यू सिस्टम है उनके घर पर. बहुत अच्छे वैल्यूज़ दिए गए हैं शत्रु सर एंड मैम द्वारा टू ऑल द थ्री किड्स. तो स्टार्टिंग विद दैट मुझे शूट पे इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा था उनके साथ डील करके. बहुत ही तहजीब से, बहुत ही प्यार से समझाते हैं वो आपको कि ऐसे करना है, ऐसे करना है, कि आपको उसके पास सवाल करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है. और अगर आपने वो शॉर्ट फिल्म देख ली है तो आपको पता होगा कि यार ये तो मतलब शुरू हुई और ख़त्म हुई पता भी नहीं चला, और कितने कमाल के कैरेक्टर एकदम से निकल के आया है. वो बस एक बार एक्सप्लेन किया गया मुझे एंड बस वो शुरू किया हमने बस, और एक दिन में ही सब कुछ ख़त्म हो गया. सो आई थिंक बहुत ज़्यादा मज़ा आया वो करके. एंड टॉकिंग अबाउट द फिल्म अगेन, आई थिंक काजल अग्रवाल इज एन एक्सट्रीमली ओह ब्रो यो के हुआ ब्रो. ये आ गए दो ब्रो, रोहतक के दो ब्रो, पीयूष एंड महेंद्र, शरारती ब्रो लड़के. क्या बात ब्रो, शरारती लौंडे. सो मैं हूँ पीयूष, ये हम महेंद्र. ठीक हो? बट ठीक चल रहा सब कुछ है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? साउंड साउंड में कोई कहना चाहता है कुछ बता दो मुझे. हैं भाई साहब? नहीं महेंद्र साहब, क्या हाल है? I almost got it. कोई कुछ कह रहा है कि ठीक तरह रखना है? नहीं नहीं, आप ऐसे अब ठीक है. हाँ तो क्या है ना पीयूष महेंद्र, जब मिलते हैं तो ऐसे तबाही तो मस्ती है. ऐसे कांड होते हैं और आगे भी जो कांड होंगे वो आपको दिखेंगे इसी. क्या बात है पाजी, एक प्लैकर्ड पकड़ के हो जाए कुछ, करना बनता है यार. वी शुड डू समथिंग लाइक दैट. यो के हुआ ब्रो, यो के हुआ ब्रो. यहाँ पे आ जाए, लेट्स शिफ्ट हियर, लेट्स शिफ्ट हियर. उधर चले जाते. नहीं आपके पास तो क्लाउड है भाई, आपके पास क्लाउड है. ऐसा क्या? सर यहाँ ना, एक सेकंड आगे सर, सो सॉरी. जो के हुआ ब्रो, मुझे बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट महसूस हो रही है. एंड इट्स स्पेशली टुडे बिकॉज माई पेरेंट्स हैव टू वॉच दिस स्क्रीनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम विद मी, तो बहुत अच्छा लग रहा है. एंड आई होप एवरीवन लव्स इट. आई होप माई फ्रेंड्स, माई फैमिली, माई फैंस, ऑडियंस, of course my parents love it. So yeah, mere character ka naam hai Mahinder Singh Gehlawat aur hum basically Rohtak Haryana mein rehne wale do ladke hain, main aur jo apna dusra character hai wo hai Piyush. Unhone kafi aap se baat kari bhi hogi apne character ke bare mein. To Mahinder Singh Gehlawat Rohtak mein rehte hain Haryana mein aur padhai kar rahe hain, kuch karne ki koshish kar rahe hain, life mein kuch karna hai, zyada motivated nahi hai. ऐसा होता है कि अपने फैमिली से थोड़ा वो प्रेशर रहता है, पीयर प्रेशर रहता है, फैमिली से भी प्रेशर रहता है कि यार कुछ करो, बन के कुछ करके दिखाओ. पर्चे बढ़ रहे हैं नौकरी के मगर कुछ हाथ में सक्सेस आ नहीं रही है. लड़के के मामले में बड़े कच्चे हैं, वैसे तो बड़ा स्वैगर में घूमते हैं, बॉडी वॉडी दिखाते हैं, सब कपड़े उपड़े अच्छे पहनते हैं. जब लड़के के मामले में मामला आता है तो फिर थोड़ा सा ढीले पड़ जाते हैं. समझ में नहीं आता हाउ टू अप्रोच अ गर्ल, क्योंकि आदत वैसी है. कभी बचपन से अभी तक किसी लड़की से बातें बातें नहीं करी, कुछ ज़्यादा इंटरेक्शन लड़के से रहा नहीं है स्ट्रॉन्ग. तो
थोड़ा ऐसा कैरेक्टर है, जब लड़कियाँ मिलती है तो ऐसा लगता है कि क्या हासिल कर लिया उन्होंने, और उसके आगे क्या होता है वो आप देखेंगे जो कि हुआ ग्रो में। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हाँ ये है अपना सेल फोन जहाँ पर हमारा एवरेज कार्ड बना था, और यही कार्ड आज आप देखेंगे स्क्रीन पर। तो ये क्या हुआ ब्रो, एक्चुअली गोल्ड वेल मैं बहुत एक्साइटेड हूँ यूके हुआ ब्रो देखने के लिए, क्योंकि मैं वूट जो प्लेटफॉर्म है और उस पर मेरा भी एक शो है, इट्स नॉट दैट सिंपल। और मुझे लगता है कि जिस किस्म का कंटेंट वूट क्रिएट कर रहा है डिजिटल स्पेस में वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और नया है एंड आई थिंक सराहनीय है। सो मैं एक्साइटेड हूँ उनकी नेक्स्ट प्रेजेंटेशन देखने के लिए एंड या आई थिंक इट्स लुकिंग ग्रेट। I mean, I think that Shamita is a... I think ki Shamita ek bahut hi behtareen aur khoobsurat actress hai, unka screen presence bahut hi amazing hai, aur mujhe yaad hai unka wo gana Sharara Sharara bahut hi kamal ka tha. So I'm looking forward to watching her again. I'm sure she'll be amazing. किसकी? मेरी वेब सीरीज ऑलरेडी है वूट पे सीज़न 1, और बहुत अच्छा किया उसने, तो अब सीज़न 2 हम करने वाले हैं। सो अभी उसके हम लोग शूट शुरू करने वाले हैं। सो या आई एम वेयरिंग मसाबा फ्रॉम हर न्यू कलेक्शन विच इज़ शोकेस्ड एट लैक्मे फैशन वीक। सो या ये वाला अब इस क्वेश्चन के आंसर में मत कट करके एडिट करके लगा देना। आई थिंक दैट आई एम वेरी आई थिंक दैट एवरी वन इन द इंडस्ट्री रियली वेलकम्स प्रसून सर इन हिज न्यू रोल। प्रसून सर एक कवि हैं, बहुत ही बेहतरीन कवि हैं, साहित्य के से नाता है उनका। सो आई एम श्योर वो बहुत अच्छे से समझेंगे कि किसी भी अच्छी कला के लिए आज़ादी होना बहुत ज़रूरी है, अभिव्यक्ति की आज़ादी और एक आज़ाद माहौल और एक बेखौफ माहौल। आप बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशंस बना के कभी कला कोई अच्छा आर्ट अच्छी कला नहीं बना सकते, बिकॉज कला बेसिकली एक एक्सप्रेशन होता है, क्रिएटिव एक्सप्रेशन होता है। सो या आई एम रियली हैप्पी दैट प्रसून सर इज़ एट द हेल्म ऑफ CBFC एंड आई एम श्योर दैट दिस पर्टिकुलर सेंसर बोर्ड विल अंडरस्टैंड कि इट इज़ सेंसर बोर्ड का फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड फॉर फिल्म सर्टिफिकेशन। उनका काम सर्टिफाई करना है, ये बताना नहीं है कि ये निकाल दो ये रख लो ये निकाल दो ये रख लो। सो या आई होप कि इसका बहुत ही सकारात्मक असर होगा हमारी फिल्म इंडस्ट्री पे और इंडियन फिल्म पे। आई थिंक दैट्स ग्रेट, आई लव विद्या बालन, आई थिंक शी इज़ एन अमेजिंग पर्सन। मैं उनसे एक दो बार मिल चुकी हूँ और मुझे लगा कि वो बहुत ही अच्छी इंसान भी हैं और मुझे लगता है वो बहुत समझदार महिला भी हैं। सो आई थिंक कि बहुत अच्छी बात है कि वो इस सेंसर बोर्ड में एडवाइजरी कमेटी में हैं। अभी और एक
क्योंकि अपार के साथ मैंने अपनी पहली मूवी में काम करा था, वो हमारे लिए K2J2 के नाम से जाने जाते हैं और आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर हिम. ही इज़ अ ग्रेट फ्रेंड, ही इज़ लाइक अ ब्रदर टू मी और ये देखने के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ. बहुत हैप्पी बिकॉज द ट्रेलर इज़ अमेजिंग. क्यों नहीं, विद अ गुड स्क्रिप्ट एंड अ गुड कैरेक्टर आई वुड डेफिनेटली लाइक टू डू अ वेब सीरीज. कुछ भी, मतलब अगर कैरेक्टर अच्छा हुआ और मैं क्रिएटिवली एक्साइटेड हुई इसको देख पढ़कर तो कुछ भी चलेगा. देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन वेब सीरीज एंड अ मूवी, बट आई वुड से अब ये बहुत इजीली एक्सेसिबल है फॉर द ऑडियंस. और आजकल लोग, इट्स वेरी इजी फॉर अस टू सी, अपने फ़ोन में देख लेते हैं. इट्स वेरी इजी एंटरटेनमेंट. बोर हो रहे हो तो अपने फ़ोन में यूट्यूब चलाया और कोई भी वेब सीरीज़ देख ली. तो इट्स वेरी डिफरेंट, मतलब हम पायरेसी देखते हैं, वो होना नहीं चाहिए. आई थिंक इट्स मूवीज़ और ये में काफ़ी फ़र्क है. मेरे को पर्सनली ज़्यादा मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता ट्रोल से. आई थिंक एक ही लाइफ है, अगर मैं इन चक्रों में पड़ गई ये देखती रही कोई क्या कौन क्या बोल रहा है तो फिर या तो आप ज़िंदगी जी सकते हो, या तो आप रो सकते हो, या तो आप हंस सकते हो. तो आई थिंक मैं हंसना ज़्यादा और खुश रहना ज़्यादा पसंद करूँ. थैंक यू, बाय बाय. सामान गिला रही हूँ. बाय बाय, थैंक यू. हाँ जी, अच्छा लुक सामने रखू. हाँ यार, बहुत एक्साइटेड हूँ. शमिता खासतौर पे मेरी बहुत बहुत अच्छी दोस्त है और आज मैं उसके लिए यहाँ पे आया हूँ. एंड जो मैंने थोड़ा बहुत देखा है माइंड ब्लोइंग लग रहा है. सो होपिंग फॉर द बेस्ट. सर, मैं एक्चुअली इसके साथ शमिता शेट्टी और बहुत दिन बाद कमबैक कर रही हूँ. हाँ हाँ, उसके लिए कितना है यार? बहुत एक्साइटेड है. आई थिंक शमिता बहुत बहुत अच्छी एक्ट्रेस है और एक बार फिर से शमिता जो है वो कमाल करने वाली है. जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट. क्यों नहीं करेंगे यार, हम लोग एक्टर्स हैं, हम लोग कहीं भी काम करते हैं. तो आई थिंक वो फंडा बहुत दूर हो चुका है कि एक छोटा पर्दा बड़ा पर्दा. आई थिंक जहाँ एंटरटेन करो वही आपका पर्दा.
यार आई थिंक एक एक्टर जो होता है वो हर तरह के रोल करना चाहता है. कॉमेडी डेफिनेटली मैं करता हूँ और बहुत से तरह के रोल हैं जो मैं करना चाहूँगा. वो तो डायरेक्टर्स एंड प्रोड्यूसर्स पर डिपेंड करता है वो क्या देंगे. हाँ यार देखो मुझे ज़्यादा डिटेल में तो पता नहीं है बट हाँ अगर ऐसी कुछ बात है तो आई थिंक दे शुड डेफिनेटली लुक इनटू द मैटर और जितना हो सके उनकी मदद करनी चाहिए. यार फिल्म रेडी है और बस अभी थोड़ा बहुत पोस्ट का काम बाकी है. जस्ट होपिंग जल्दी रिलीज हो. थैंक सर. हाय वेल हमारा डिजिटल शो है. इंग्लिश हिंदी किसने बोलूँ आप बताइए. दोनों के मैं व्हाट्सएप करता हूँ. इंग्लिश करते हैं. ओके ये हमारा बिग सिनर्जी का पहला डिजिटल शो है. ये क्यों ब्रो एंड मैंने फिल्में की हैं. ये मेरा पहला वेब सीरीज है एंड इट्स अ फन कॉमिक थ्रिलर एंड आई थिंक शुड बी फन फॉर एवरीबडी. वेल बहुत ही मज़ेदार और गजब के एक्टर्स रहे हैं हमारे साथ. अपार शक्ति, शमिता, गौरव पांडे, रिधिमा पंडित, सुमित व्यास और ये सभी के सब मतलब आपस में दोस्त शूट करते हुए बन गए. बट कॉमेडी में जनरली आपको बहुत अच्छे एक्टर्स की ज़रूरत होती है. आई थिंक वी बीन वेरी लकी टू फाइंड गुड एक्टर्स. वेल सो फार द इंडस्ट्री इज वेरी एक्साइटेड अबाउट इट. एवरीबडी फ्रॉम द इंडस्ट्री इज एक्चुअली लुकिंग एट डिजिटल एज द नेक्स्ट मीडियम बिकॉज एक अलग नया प्लेटफॉर्म है और अब बस 18 का वेट है. हाँ देखिए मेरा जहाँ तक CBFC का सवाल है ये कहना है कि आप चेयरमैन बनने का कोई फ़ायदा नहीं होगा मेरे हिसाब से. कि आज प्रसून जोशी हैं पहले प्रहलाद नली थे. जब तक कि सिनेमाटोग्राफ एक्ट बदली नहीं जाती जिसके रूल्स बहुत ही आर्केक हैं बहुत ही पुराने हैं जब तक वो रीराइट नहीं होंगे कुछ आई थिंक तब्दीली नहीं आने वाली मेरे हिसाब से. या थैंक यू. चलिए लेट्स कंटिन्यू. हाँ आशा इज गॉन इनसाइड. आशा इज गॉन इनसाइड. वो चली गई है. हाँ जी हाँ करेक्ट. ऑफ कोर्स एक्साइटेड बहुत ज़्यादा है बिकॉज आई थिंक यू नो कंटेंट इतना ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है ऑनलाइन और हमारे इंटरनेट की तरफ हमारी पूरी इंडस्ट्री कितनी तेज़ी से बढ़ रही है. सो आई थिंक इट्स अ वेरी प्रॉमिसिंग प्रोमो जो हम लोगों ने देखा है एंड प्लस मेरे कुछ दोस्त लोग हैं. अपार इज़ देयर, रिधिमा इज़ देयर, गौरव इज़ देयर. सो आई थिंक इट्स ऑल इन ऑल अ फैंटास्टिक पैर. सुमित इज़ देयर. सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू द शो. या जी यार ऑनेस्टली मुझे ऑल इन ऑल आई रियली लव द केमिस्ट्री ऑफ द टू बॉयज. मुझे उन दोनों की केमिस्ट्री बड़ी अच्छी लग रही है एंड आई थिंक मैंने उन दोनों की केमिस्ट्री के बारे में मतलब दैट्स एग्जैक्टली व्हाट इट रिमाइंड्स मी ऑफ मी एंड माय फ्रेंड्स फ्रॉम बैक होम. मेरे अपने स्कूल के दिनों के जो मेरे दोस्त हैं आई थिंक दैट्स एग्जैक्टली व्हाट रिमाइंड द ट्रेलर रिमाइंडेड मी ऑफ. एंड उससे आगे क्या है क्या नहीं दैट आई हैव टू वॉच एंड प्रॉब्ली देन सी फॉर माई सेल्फ कि क्या है क्या नहीं. हाँ यस यार अपने आप को देख के बड़ा अच्छा लगता है. टीम इट्स अ लॉट ऑफ फन. तो इट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस. इट वॉज अ ग्रेट टीम और आई थिंक अब तक का बहुत लोग ऐसा कह रहे हैं कि अब तक का बेस्ट सीजन है बिकॉज ऑफ द पीपल दैट देयर आर. थैंक यू. थैंक्स. तो आई थिंक आई एम रियली एंजॉइंग द अटेंशन. आई एम रियली एंजॉइंग द काइंड ऑफ रेटिंग्स दैट वी आर गेटिंग. आई एम रियली एंजॉइंग एवरीथिंग दैट द शो इज ऑफरिंग. सो यार यार लड़कियों ने बहुत कमाल किया. लेट मी टेल यू दिस एंड आई थिंक बहुत सारे ऐसे हैं जो सरप्राइज पैकेजेस हैं एंड आई थिंक दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई रियली रियली लाइक अबाउट द एंड ऑल द वुमेन इन टोटलिटी आर फैंटास्टिक. सो यार वॉच आउट फॉर द वुमेन देयर एंड एवरीबॉडी ऑल द बेस्ट. थैंक यू गाइस.